कारवन विधानसभा के कई क्षेत्रों में नई सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के गतिविधियां तेजी के साथ जारी है। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद सुद्दीन अवेसी के सफल रिप्रेजेंटेशन पर कारवन विधानसभा में 290 करोड़ रुपए की लागत से नई सीवरेज पाइपलाइन बिछाई जा रही है। असुद्दीन अवेसी के निर्देश पर विधायक कौसर मोहिउद्दीन ने आज वाटरवर्क्स, जीएचएमसी, इलेक्ट्रिसिटी विभाग के अधिकारियों के साथ जिन क्षेत्रों में सीवरेज की नई पाइपलाइन बिछाई जा रही है उन क्षेत्रों में कई घंटों तक दौरा करते हुए निरीक्षण भी किया है। विधायक ने रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत से पहले कार्य समाप्त करने का भी अधिकारियों को निर्देश दिया। इन्होंने वाटरवर्क्स के अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन क्षेत्रों में पोल्यूशन वाटर की समस्या है तुरंत उस समस्या का समाधान भी किया जाए। कारवन विधानसभा की जनता कह रही है कि कारवन विधानसभा में पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीतते थे लेकिन विकास कहीं पर भी नजर नहीं आता था, दंगे होते थे और यहां पर भेदभाव किया जाता था, लेकिन एआईएमआईएम का जब से परचम लहराया है कारवन विधानसभा में ऐसा लग रहा है कि विकास की गंगा बह रही है और आज कारवन विधानसभा में बिना भेदभाव के कार्य होते हैं। एआईएमआईएम के कार्यालय दारुसलाम में भी मजहब नहीं देखा जाता, कार्य किए जाते हैं, समस्या सुनी जाती है, समस्या का समाधान भी आज एआईएमआईएम के पास हो रहा है। और आज तेलंगाना हैदराबाद के एआईएमआईएम असेंबली सेगमेंट्स में जनता कह रही है कि असुद्दीन अवेसी है, अकबरुद्दीन अवेसी है तो हर कार्य मुमकिन है। दोनों भाई तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर से करोड़ों रुपए की लागत से विकास कार्य करवा रहे हैं। भारत में इसकी खूब चर्चा भी हो रही है। विधायक, पार्षद और एआईएमआईएम के कार्यकर्ता भी रोजाना विकास गतिविधियों का निरीक्षण करते हुए जनता की समस्या सुनकर समाधान कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। आज कल तो लंच के बाद लगाओ नहीं तो ఏ నాకు అవి అన్ని మాటలు చెప్పకు రండి. ఇవాళ మధ్యాహ్నం తర్వాత పెట్టాలి, పెట్టి షూరు చేయ వరకు. రేపు చెప్పించారు మరి ఆడికెళ్ళొస్తావు, నేనే ఆడికి ఉండా. ఏం పదిలా ట్రాన్స్ఫార్మర్ షిఫ్ట్ కావాలి, మొబైల్ పెడతావు, ఏం పెడతావు నాకు తెలియదు. ఇక్కడ పని ఆగిపోయింది వాటర్ వరకు. నేను చెప్తున్నా రేపు కాకపోతే బాగుండదు, నేను చెప్తున్నాను ఇదేనే నేను చెప్తున్నాను. अरे सब आउटलेट वहाँ पे काम कर सकते थे अभी लोग, हाँ जो टाटा ऑफर के पीछे पड़े हुए लोग क्या कर रहे हैं अभी उधर से ले ही करके लेके आ रहे। अरे पूरी बस्ती पूरा भरा हुआ है, घरा डूबे हुए पूरे। तो वो पुरानी लाइन में से डाले थे तो पाइपा डम करो ना, कम से कम पाइपा तो उतारो, उतारो लेके आके पाइपा तो उतारो, पाइपा भी नहीं है, मनी पाइप तो 12 इंच रहेगा, पाइपा तो उतारो, पाइपा तो उतारो। देखे ना बात Gracias.
पुष्कर की गली, पुष्कर के पीछे की गली, बाद की वही गली रोड पूरा आ जाता है, जिसके पीछे का व्यवस्था है ना पूरा, ये चलता भी अपन जान है रे, मैया से लेके मस्जिद तक, उधर रोडाबार की रोड तक पूरा बुलेटेड है, पूरा पानी भरा हुआ है।